नमस्कार, गुड मॉर्निंग, अर्गस सुपरफास्ट को स्वागत करछि मु स्वप्ना। आरंभ करबा आजर खबर अभियान। आज संसद रे उपस्थापित हेबो 2022-23 आर्थिक वर्ष पय साधारण बजेट। बजेट आगत करबे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। महामारी परे पूर्ण ट्रैक को फिरुछि अर्थनीति, ताको बजाय रखबा को अर्थमंत्री उद्यम करबे। एथिपय सरकारी व्ययबरा वृद्धि कराजबार संभावना रहिछि। महामारी सत्वे भारतीय अर्थनीतिर उत्साहजनक चित्र देखबा को मिलछि। कोविड महामारी रे प्रभावित होइतिबा चाकिरिया और मध्यवित्त वर्गंकु टिकस रिहाती मिलबा नै आशा करा जाउछि। सेपरि क्रिप्टो करेन्सी ने टिकस व्यवस्था कोन रहिबो ता उपरे भी नजर रहिछि। पारंपरिक कृषि और भित्तिभूमि सांगकु कोरोना माडरे विपर्यस्त शिक्षा सेवा क्षेत्र उपरे अर्थमंत्रीक स्वतंत्र नजर रहिबो। भारतकु इंडस्ट्रियल हब रे परिणत करबाकु सरकारक लक्ष्य थिबारु दक्षता विकास, स्टार्टअप्स, सेमिकंडक्टर, वैद्युतिक जान लागि बैटरी निर्माण भली नुआ रप्तानी भित्तिक शिल्प उपरे प्राधान्य दियाजिबा आशा करा जाउछि। अपेक्षार हेला अंत। आजिठु जगा दर्शन। रत्न सिंहासनरे चतुर्धा मूर्तिंकु दर्शन करुछन्ति श्रद्धालु। छत्तीसा निजोग बैठकरे निष्पत्ति अनुजाई आजिठारु स्वाभाविक होइछि जगा दर्शन, किंतु मानिबाकु पड़िबो पूर्व भली कोविड कटकणा, जहाकु नै श्रीमंदिर जाइ स्थिति परखिछन्ति मुख्य प्रशासक डॉक्टर कृष्ण कुमार। सेपटे आसंता बुधवार महाप्रभुक अनुष्ठित हेब दुर्लभ पद्मवेश, जहाकु प्रस्तुति मध्य अंतिम पर्यायर पहुंचिछि। तेबे बुधवार बड़ सिंहार बेशरे महाप्रभुक दुर्लभ पद्मवेश दर्शनरु वंचित भक्तमाने गुरुवार सकाळु महाप्रभुक एही दिव्य बेश दर्शन करिवार सुजोग पाइबे। आजिठु खोलिछि माँ समलेश्वरी मंदिर, माँ दर्शन पाउछन्ति भक्त। जिला प्रशासन निष्पत्ति अनुजाई कोविड कटकणा और नियम पालन मध्यरे मंदिर साधारण भक्तों पाई खोला जाइछि। मंदिर सकाळ 6टा रु दिन 11टा 30 ओ दिन गोटाए रु संध्या 7टा 30 पर्यंत भक्तों दर्शन निमन्ते खोला रहिबो। केवल मंदिर सफेई और विशोधन पाई प्रति गुरुवार दिन दर्शन बंद रहिबो और साधारण भक्तों मंदिर प्रवेश पाई अनुमति दियाजिबो नाही बोली मां समलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट पक्षरु सूचना दिया जाइछि। आजिठु राज्य में लागू हेबो नुआ गाइडलाइन। फेब्रुआरी मास पई नुआ गाइडलाइन जारी करिछन्ति स्वतंत्र रिलीफ कमिश्नर। नुआ गाइडलाइन अनुजाई नाइट कर्फ्यू अवधि पूर्व परि राति 10टा रु आरंभ होई सकाळ 5टा जाय बलवत्र रहिबो। जनवरी मास रे राति 9टा रु कर्फ्यू लागू होतला, हेले फेब्रुआरी रु पूर्ण थरे 10टा रु कर्फ्यू आरंभ हेबो। राज्यर समस्त सहरांचल रे लागू हेबो नाइट कर्फ्यू। नुआ गाइडलाइन अनुजाई फेब्रुआरी मास रे राति 10टा जाय दुकान बजार खोला रहिबो। सकाळ 5टा रु राति 10टा जाय समस्त प्रकार दुकान, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मार्केट, हाट, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन कॉम्प्लेक्स, थिएटर, असेंबली हॉल खोला रहिबो। सेहिपरि नुआ गाइडलाइन रे राज्य सरकार शिक्षानुष्ठान रे सरस्वती पूजा को अनुमति देछन्ति। अल्प संख्यक छात्र छात्री को नै सरस्वती पूजा करा जाय परिबो। ढेंकानाल परजंग ब्लक तल्ल बेरेणा गाँव में अग्निकाण्ड। बाबाजी बेहरा घरे निया लागि जळिगला दुई बखरा घर। विलंबित राति रे निया लागिथिबा बेले अग्निशम विभाग पक्षरु निया को आयत्त करा जायछि। शॉर्ट सर्किट रु अग्निकाण्ड घटिथिबा संदेह करा जायछि। कटक कंदरपुर ब्लक अठांग गाँव में शेष होइछि महायज्ञ। संपूर्ण कोविड गाइडलाइन मध्यरे मां कुळेई सुणी पीठरे विश्व शांति यज्ञ आयोजित होइतला। चलित वर्ष जोगेश्वर शिव मंदिर स्थापन मध्य करा जायछि। पुरीरु आसीथिबा पंडित एही स्थापना करिछन्ति। कटक त्रिशूलिया ब्लू स्टार रियल इस्टेटर मालिकाणी विरोध में राहुल भर्तिया आनिथिबा अभियोग को खंडन कले मालिकाणी पिंकी प्रधान। सांबादिक सम्मेलन में अभियोग को खंडन करने सह यहाँ भित्तिहीन खबर बोली कहिछन्ति पिंकी। तांको विरोध में जमी जालियाती करा जायथिबार अभियोग करथिले राहुल। कोंतु मु किछि दिन तळे खबर पाइली जे राहुल भर्तिया प्रिंट मीडिया डिजिटल मीडिया रे मो ना रे मिथ्या अभियोग आणुछंती जे मु तांको जमी को 1 एकर 88 डिसीमिल अच्छी बोली कि जोटा कि कहुचंती जे मु तांको बंदूक मुनरे नहीं जाइछि। तो बंदूक मुनरे मु तांको जगाटा को केमिति नेबी जदिओ राहुल भर्तिया व्यक्ति नाम को मु प्रथम थर शुणुछि। आज आईन एत स्ट्रंग कहार जमी को तुम मानने बंदूक मुनरे नहीं पार कि जदि मु बंदूक मुनरे नहीं गली यहाँ सुना ना रूपा मुझे जेसीपी मारिकी मो घर लकर रखीदेली। यहाँ संपूर्ण मिथ्या। देखु मु
अवसर पर जवान को भव्य स्वागत भुवनेश्वर रेल स्टेशन में 20 जन जवान को स्वागत कर 20 वर्ष भारतीय सेना रे सेवा करबा परे घर को फेरिछंती जवान मो फर्स्ट फेब्रुआरी 2002 रे सेना बाहिनी जोग दैतिली आ दीर्घ 20 वर्ष सेना बाहिनी सेवा कला परे आज मो अवसर ने मो घर को फेरुची आ ये तो गोटे खुशी रो मुहूर्त आम परिवार पाई मो परिवार सहित मिसिबि किंतु मातृभूमि रो सेवारु रक्षा पाई परु वंचित होइतवारु निजक टे दुख भी लगुच आशा अच्छी जदि के भारतीय सेनार दरकार हम आम एक्सरिशन हिसार भी के दरकार हम आम तत्पर अच्छे निःशुल्क सेवा करने मु 1 फेब्रुआरी 2002 रे भारतीय सेनार जोग देली एवं दीर्घ 20 वर्ष भारतीय मान भारत मातार सेवा कर सारापर आज 31 जनवरी 2022 आफ्टर 20 इयर मु आज भारतीय सेनारु नामक मात्र अवसर नौ किंतु दिल ना हृदय सेमती ना इच्छा अच्छी कि अगर निश्चित भाव में इच्छा करूँ जदि कौन परिस्थिति रे आमको भारत मातार सेवा करार मौका मिले सुजोग मिले आम निश्चित भाव बलिदान देवा पछे युक्त 2 बोर्ड परीक्षा सपक्ष में दावी करिछंती बालेश्वर जिला सोर अंचल छात्र छात्री विभिन्न महाविद्यालय छात्र छात्री माने एकजुट हो परीक्षा करबा पई दावी करिछंती एने गणशिक्षा मंत्री को एक दावीपत्र प्रदान कर संबलपुर रेंगाली मावली नगर ठारे सुना सफा करिबा आळरे महिलांक ठारु सुना लूट घटना लुटेरांकु काबू कला रेंगाली थाना पुलिस समस्त अभियुक्तंकु कोर्ट चालन करा जाइछि एने थाना रे एतला देथिले महिला गजपति जिलार विभिन्न थाना अंचल में फ्लाग मार्च एसपी जयराम शतपथी निर्देश क्रमे फ्लाग मार्च कराई लोकमानंकु सचेतन कराई त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में शांति श्रृंखला रक्षा करिबा कोविड गाइडलाइन को मानिबा भिड़ न जमाइबा पई लोकंकु सचेतन करिछि पुलिस जदि कौनसी व्यक्ति यार खिलाफ करती तेबे आईन अनुजाई दृढ़ कार्यानुष्ठान हेबो बोली डाकबाजी यंत्र माध्यम रे चेताई दिया जाइछि राजधानी रे पुणी मातिले लुटेरा राजमहल निकटरे डाक्तरंको कार काचो भांगी लूट लैपटॉप सह विभिन्न डॉक्यूमेंट नहीं चंपट मारिले दुर्बृत्त कैपिटल थाना रे अभियोग कले डाक्तर पूर्ण प्रकाश नायक बालेश्वर जिला सोर बालीपुर रे चलीथिबा बेआइन मद भाटी उपरे सोर पुलिस रो चढ़ाऊ 6000 देसी मद जबत सह यहाँ नष्ट करिछि पुलिस सोर आईआईसी सुजाता कुमारी नेतृत्व में सोर पुलिस एक टीम मद भाटी उपरे चढ़ाऊ करी मद एवं पोचो को नष्ट करिछि चढ़ाऊ बेले मद व्यवसायी माने फेरार हो जाइछन्ति वर्तमान बुलेटिन समय हो ब्रेक ब्रेक पर स्वागत नेटवर्क टावर निर्माण काम आरंभ पर नामांकन भरिले आशायी प्रार्थी नेटवर्क नाही तो वोट नाही निष्पत्ति रे अटल थिबा देवगढ़ पांचखंड पंचायत आशायी प्रार्थी विभिन्न आसन पर नामांकन भरिछंती नेटवर्क समस्या समाधान न होबा पर्यंत वोट बर्जन करने को निष्पत्ति नहीं स्थानीय बासिंदा एपरिक जड़े हेले प्रार्थी नामांकन भरी नथिले या को जिला प्रशासन और राज्य सरकार गुरुतर सही नेटवर्क निर्माण काम आरंभ करिछंती झरा गोगुआ निकटरे नेटवर्क टावर निर्माण पई लेआउट दिया सरी फलरे प्रार्थी नथिबा आसन पई सानी नामांकन प्रक्रिया आज शेष दिन में विभिन्न आसन पई नामांकन दाखल करा जाइछि आज आम सेपटे 5 ग्राम पंचायत जमी डिमरीपदा ग्राम पंचायत झरागुआ पारपसी झारमुंडा अगुणनगर प्रार्थीपत्र दाखल कर डिमरीपदा ग्राम पंचायत समिति सभ्य पदपाई प्रार्थीपत्र आज दाखल कर आमर जितेबाला सेकेंड टाइम आम नोटिफिकेशन होता 27 तारीख से आमर 30 जाए तो हो ना आज आम समिति सभ्य 5 जाक पंचायत रु पार्टिसिपेट कर सर्वमोट 18 आम नामांकन दाखल कर गंजाम खलिकोट ब्लॉकर निम्न माध्यमिक अवसरप्राप्त शिक्षक मान बंधु मिलन कार्यक्रम कन्हैपुर स्थित मां राहणा देवी मंदिर प्रांगण में आयोजित हो कार्यक्रम अवसरप्राप्त शिक्षक माने चाकरी जीवन और अवसर जीवन संपर्क में आलोचना करते प्रति 6 मास बंधु मिलन निष्पत्ति
गंजाम केशवपुर और कृष्ण शरणपुर पंचायत में खलिकोट पुलिस फ्लैगमार्च त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन पाखे आसुथिबारु हिंसा रोकिबापाई फ्लैगमार्च करा जाउछि। विभिन्न राजनैतिक दल और प्रार्थी मानक सह आलोचना करबा सह संवेदनशील थिबा पंचायत मानकरे लोकंकु सचेतन करुछि पुलिस। भद्रक चांदवाली रे टंका बंटा राजनीति घटना सुंदरपुर पंचायत बीजेडी समर्थित सरपंच प्रार्थी अभिमन्यु जेना और जिला परिषद प्रार्थी प्रिंस राकेश नायकंकु कारण दर्शाओ नोटिस चांदवाली पंचायत समिति पक्षर जारी होई एही नोटिस टंका बांटुवा विजुअल भाइराल नहीं अर्गस रे खबर प्रसारण होता। दुई अधिक संतान थिले होइपारिबेनी पंचायत प्रतिनिधि तेबे एभली सरकारी नियम रहितबा बेले नयागढ़ में तार व्यतिक्रम देखिबा को मिलिछि। जड़े आठ संतानक जनक वार्ड मेंबर भाबे निर्द्वंद निर्वाचित होइछंती। दसपला ब्लॉक तिहड़ ग्राम पंचायत सात नंबर वार्डर गंगाधर नायक सही वार्डर एकाकी वार्ड मेंबर प्रार्थी भाबे प्रार्थीपत्र दाखल करथिले तेबे तांकर केही प्रतिद्वंदी नथिबारु से निर्द्वंद निर्वाचित होइछंती। गाँ प्रतिनिधि आजा निर्वाचन हो आसने पठेबा सका से मुर्वाचन होगा घर आम स्त्री रही थे पांच वर्ष तापर मु रही पांच वर्ष यही पांच वर्ष जाऊँगी गाँव में सब डकाडुकी कर बसए बसई ता भरे काम धाम जहा कि आसो मन में पकई दिए से जहाँ को काम दिखती ना से निजे करमती किसी हो जाए लोक मैंने कहले पुणा लोक रुहतु बोल कि निर्वाचन कर गंगाधर बाबू गत इलेक्शन जाइए जीपर से किसी कम गाँव में करपर आम छोट गाँ वार्ड मेम्बर पर गुरुत्व दौन वार्ड वार्ड मेम्बर कौन डेवा कर पंचायत जहाँ फाड़े पुष्पे पाती आणिक गाँव गाँव में किसी उपकृत लगा तेणु यहाँ तो गुरुत्व ना ये जाऊँगा। नवरंगपुर जिलार विभिन्न स्थान में अबकारी विभाग चढ़ाऊ 80 लिटर देशी रंधा मद और प्राय 1100 लिटर मोहूल पोच को नष्ट जड़े मद व्यवसायी को गिरफ्त करा कोडिंडा कोसागुमड़ा अबकारी विभाग और पुलिस मिलित भाव चढ़ाऊ कर विपुल मद जबत कर संपृक्त घनश्याम भत्रा को गिरफ्त कर कोर्ट चालाण कर अबकारी विभाग। श्रमिक नेता गिरफ प्रतिवाद रे थाना घेराउ प्रकाश त्रिपाठी को गिरफ प्रतिवाद रे पारादीप अभय चांदपुर थाना घेराउ करिछंती भूमिहरा कृषक एकता मंच थाना सम्मुखें उत्तेजना परिस्थिति सृष्टि हेबा परे स्थिति नियंत्रण पाई अभय चांदपुर थाना अधिकारी समेत लक थाना अधिकारी मेराइन थाना अधिकारी एवं पुलिस टीम उपस्थित रही शीघ्र जमिन मिलबार प्रतिश्रुति मिलबा परे आंदोलन ओहरीथिले लोके। आमे आज थाना घर करमर मुख्य भूमिका है आम जो भूमिहरा कृषक एकता मंच तरफ जो उपदेष्टा प्रकाश त्रिपाठी महोदय को जो मिछ केस फसई दि जाए गिरफ्त कर तुरंत निर्दोष खलास कर मुख्य दाबी जी जो भूमिहरा कृषक एकता मंच में जो 1752 पर जमी हर जे जदि प्रशासन आहार तुरंत निष्पत्ति नक आगामी दिन में आम 1752 परिवार तरफ हजार हजार माँ पिला छुआ धरी आम थाना फाटक आगे एवं आवश्यक पड़े आम आईओसीएल गेट मध्य तीव्र उत्तेजना सृष्टि करूँ आईओसीएल भी बंद करदेबू। एसपी सहित बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण भितर आलोचना है सी आमको प्रतिश्रुति दे जो मैक्लीन कंपानी सौम्य राय एवं सहित आलोचना करें ता सहित सी जो दुर्व्यवहार करम महिला मानू तेणु से उचित पदक्षेप ने कैपिटल हॉस्पिटल रे उत्तेजना समन्वित रोग निरूपण केन्द्र सम्मुखें धारणा दे चुक्तिभित्तिक कर्मचारी कैपिटल हॉस्पिटल रे एक घर कंपानी को रोग निरूपण करने को एक लैब दि जाइला सेठे काम करुवा कर्मचारी चारिमास दरमा मिलना यहसह कोविड जो सहायता राशि हॉस्पिटल कर्तृपक्ष तरफ निदान को दि जाता मिलना निदान
ନିଦାନରେ ପାଥୋଲୋଜି ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ମୁଁ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ 2 ମାସରୁ 3 ମାସରୁ ଦୀର୍ଘ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ବକେୟା ରହିଲା ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରି ଆସିଛୁ ଆମ ସିନିୟର ଯିଏ ବିକ୍ରମ ସାହୁ ଅଛନ୍ତି, ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସାହୁ ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରି ଆସିଲୁ ତାଙ୍କ ଭରସାରେ 2 ରୁ 3 ମାସ 5 ମାସ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରି ଆସିଲୁ। ତାପରେ ବି 6 ମାସ ପରେ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ନ ମିଳିଲା ତଥାପି ତାଙ୍କ ଭରସାରେ କାମ କରି ଆସିଲୁ, ତଥାପି ଏବେ ବକେୟାରେ ବି କାମ କରୁଛୁ। ତାପରେ ବି ଆମର ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ୍ ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ ପଇସା ଆସିଲା ସେ ପଇସା ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ହିସାବରେ ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ସରିଲାଣି, ଯେହେତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମେ ସିନିୟରଙ୍କୁ ପଚାରୁ, ସିନିୟରଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ପଚାରିପାରନ୍ତି ସିନିୟରକୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ ପଇସା ଆମର କ୍ରେଡିଟ୍ ହୋଇପାରିଲାନି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବା ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଉ ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏସ୍ବିଆଇ ଏବଂ ବିଏମ୍ସିର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ବାଲୁକା ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ବାଲୁକା ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସହରର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ସଚେତନତା କରାଯାଇଛି। ଏସ୍ବିଆଇର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶିଳ୍ପୀ ସୁବଳ ମହାରଣା ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏସ୍ବିଆଇର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧକ ଓ ବିଏମ୍ସିର ଡେପୁଟି କମିଶନର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସାହୁ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ସମୟ ହୋଇଛି ଆଉ ଏକ ବ୍ରେକ୍ର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ପୁଣି ପ୍ରେମ ନେଲା ଜୀବନ, ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି କାକଟପୁରର ଚନ୍ଦନ ବଜାର ସ୍ଥିତ ଟ୍ୱିଲି ସୋରୁମ୍ ଉପରେ। ସୋରୁମ୍ର ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଗତକାଲି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିବା ବେଳେ ପରିବାର ଲୋକେ ଆଣିଛନ୍ତି ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ। ଏପଟେ କାକଟପୁର ଥାନାଠାରୁ ମାତ୍ର 100 ମିଟର ଭିତରେ ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ମୃତଦେହକୁ 20 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଜବତ କରିବା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। କୁହୁଡ଼ି ହେଲା କାଳ, ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଟାଙ୍ଗି ଥାନା 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଇଁଥାପଲ ଛକ ନିକଟରେ ଘଟିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା। ଯୋଡ଼ାରୁ ଗୋପାଳପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏକ ଆଇରନ୍ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ଟି ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ଲାଗି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ ଏକ ଆଇରନ୍ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଫଳରେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିବା ଟ୍ରକ୍ର ଚାଳକ ଏବଂ ହେଲ୍ପର ଉଭୟଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତେବେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଟାଙ୍ଗି ଆଇଆଇସି ବିଜୟ ମଲ୍ଲିକ। ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ପରେ ଏବେ ଜୋର ଧରିଲା ପ୍ରଚାର। କୋଟିଆ ପାଇଁ ପ୍ରଚାରରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି 3 ଦଳର ନେତା। ମମତା ଜାନି ଆଜି ନିଜ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ବୁଲି ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ନିଜସ୍ୱ ଭାଷା କୁଇ ଭାଷାରେ ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଟିକାଏ ଗେମେଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ସର୍ବଦଳୀୟ ଲୋକେ ବାରମ୍ବାର କୋଟିଆ ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ନେଇ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନେଇକି ଆନ୍ଧ୍ରର ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ରୋକିବି। ଏ କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସର୍ବଦଳୀୟମାନେ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ମୁଁ ଆଗ କରିବି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସମ୍ବଲପୁର ଏସ୍ଏସ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ର ସମସ୍ୟା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ମହିଳା। ଜିଲ୍ଲାର ଫେଲ୍ ମାରିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଯୋଜନା। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି, ଏବେ କ୍ଷତି ପୂରଣ ନ ମିଳିବା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ଏସ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ର କର୍ମଚାରୀ। ଆମର ଗତ 2020-21 ଆମେ ଯେନ୍ ଧାନ ଘିନିଥିଲୁ ସେ ଧାନ ପଇସା ଆମେ କମିଶନ ସରକାର ଏବେ ଯାଇ ନିଦେଇ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଦାବି ଲାଗି ଆସିଛୁ। ଧାନ କିଣି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ଆମକେ ଧାନ କିଣିବାର ଲାଗି ଚାନ୍ସ ବି ନେଇଦେଲେ, ଆଉ ଆମର କମିଶନ ପଇସା ବି ଏବେ ଯାଏ ନି ପାଇ ଆମେ। 31 ଟଙ୍କା କେତେ ପଇସା ଦେମୁ କହିକିରି କହିଥିଲେ ଇଏ କମିଶନ ପଇସାଟା କ୍ୱିଣ୍ଟଲ ପ୍ରତି, ହେଲେ ସେଟା ଆଜ୍ଞାକର ନେଇଦେଲେ। ଆଉ 6ଟା ଗ୍ରୁପ୍ ଘିନିଥିଲୁ, 2ଟାକେ ଦେଇଦେଲେ, ଆଉ 4ଟାକେ ଆଜ୍ଞାକର ହମକେ ଦେବାନି। ମଝିନେ ଫେର ଥରେ ଆସିଥିଲୁ ସମ୍ବଲପୁରକେ, ଏଇଟା ତ ହମକେ ନ୍ୟାୟ ମିଲ୍ବା କହିକିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଥାନକେ ଆସିଛୁ। ସେନେ କାଁ କହୁଛନ୍ ଯେ ଦେଖୁ, ଆଉ ନିହେଲେ ତ ଆଉ କାଁ କରମୁ, ବିଷ କହିକିରି ମରବାର ଛଣା ଆଉ କିଛି ନି। ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର, ଏହାରି ଭିତରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଆସିଛି ହତ୍ୟା ଧମକ। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମର୍ଷାଘାଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ 26 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ। ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଲଢ଼ୁଥିବା ଦୀପକ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ କେହି ଜଣେ ଅଚିହ୍ନା ଯୁବକ ଦୀପକଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଥିବାର ଫୋନ୍ ରେକର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦୀପକ ସ୍ଥାନୀୟ ପାଟକୁରା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହିତ ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ମାଗିଛନ୍ତି।
ଚେକ୍ କଲେ ଆପଣ ଏଫଆଇଆର ଦେଇକରି ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଫଆଇଆର ଦେଇକରି ଆସିଲି, ସେଥିରେ ମୁଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ନିର୍ବାଚନ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେଉଛି ଦୋଷୀକି ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ତାଠୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ କଲେକ୍ସନ୍ କରାଯାଉ ଯେ ସିଏ ନିଜେ ତା ବୁଦ୍ଧିରେ ଏଇଟା କହିଛି ନା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଚାପରେ ପଡ଼ିକରି ସିଏ ମୋତେ ଯଦି ଧମକ ଦେଇଛି ସେର ତା'ର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଗୋଟେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେଉ। ସେ କହିଲେ ଆପଣ ଏଫଆଇଆର ଦେଇକରି ଯାଆନ୍ତୁ। ମହାନଦୀରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଥିବା କୁମ୍ଭୀର ଉଦ୍ଧାର। ଦୀର୍ଘ ସମୟର ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ପରେ ଘଡ଼ିଆଳ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। କଟକର ନୂଆପାଟଣା ଓ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ମଧୁସୂଦନ ସେତୁ ପାଖରେ ଭାସୁଥିଲା କୁମ୍ଭୀର। ନୂଆପାଟଣା ନିକଟ ପୋଲ ପାଖ ମହାନଦୀରେ ଭାସୁଥିବା କୁମ୍ଭୀରକୁ ଦେଖି ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। କୁମ୍ଭୀରଟିର ବେକରେ କୋଲାର ଲଗାଇଥିବାରୁ ଏକ ଟିକରପଡ଼ା କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରଜନନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଚାଲି ଆସିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପରଫାଷ୍ଟରେ ସମୟ ସରିଛି, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।